नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके तहत विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा कर कई विकास के कार्यों को मंजूर किया गया। वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी पर स्थायी समिति की बैठक स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में आयोजित हुई थी, जिसके तहत विकास से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। आने वाली 15 तारीख को गरीब कल्याण मेले का आयोजन करने के साथ साथ डिवाइडर, फुटपाथ और सर्विस ट्रैक के लिए पेवर ब्लैक के कार्यों को मंजूरी देने के साथ सू में नए पंछियों के लिए व्यवस्था खड़ी करना, ऐसे मुद्दों पर इस बैठक के तहत चर्चाएं हुई और साथ ही कई विकास के कार्य मंजूर भी हुए। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज्यादा जानकारी दी। आज रोज मळेल स्थायी समिति में जे प्रकारे रूटीन एजेंडा पर काम हतु एक एने मुलतवी कर्यु छे अने नवीन बीजा 8 काम जे कमिश्नर से तरफ थी अमारी तरफ आया था, एमां खास करीने सयाजी बाग ज्यां नवीन एवियरी वॉकिन बनी रही छे, पक्षीघर छे ने नवीन पक्षीओना पांजरा साथे जे बर्ड बीडर डीलरना माध्यम थी जेटला पक्षी खरीदवाना छे 38 प्रजातिना 240 जेटला पक्षी खरीद्या छे, जे अलग अलग प्रकारना पक्षी आवशे आवनार समय में एक नजरानू बनशे अने बाळकोथी माळी वडीलोथी तमाम लोको त्यां आगळ एक पोते 3D इमेज पण एमां पोताना मोबाइल थी स्कैन करीने QR कोड थी एक एनू पण नवीन नजरानू जोई रखशे। साथे पूर्व पश्चिम अने दक्षिण झोन में ज्यां डिवाइडर, फूटपाथ अने सर्विस ट्रेक साथे पेवर फ्लोअपना जे काम हता ए कामनो इजारो लंबावानी वातने जे दरखास्त आवी हती एने मंजूरी आपी छे। साथे साथे एज प्रकारे दक्षिण पश्चिम अने पूर्व झोन में पत्थर पेविंग अने कर्बिंगना कामनो इजारो पूर्ण थयो तो नवीन इजारानी दरखास्त आवी छे, एने पण मंजूर करी छे। खास करीने आवतीकाले 15 ऑक्टોબરે સયાજીરાવ નગરગૃહમાં એક ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન છે, જે કામમાં જે ખર્ચ થનાર છે એ કામની પણ મંજૂરી આપી છે। સર, 2% ઓછાથી જે કામ કરવામાં આવ્યું છે, જે પ્રકારે પથ્થર પેવિંગ, કર્બિંગ અને ડિવાઇડરના કામની વાત છે, એમાં જે 2% એબો હતું એને 2% ઓછું કરીને શહેરના જનતાના જે રૂપિયા બચાવવાની અમારી કોશિશ છે એમાં અમે આગળ વધ્યા છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।